और यहाँ पर आता है सीपेज का पानी और इधर इकट्ठा होके इस साइड से आगे जाके ये स्लीव वेल से इसको अपलिफ्ट करके डाउन स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नवरेला डैम पर और अभी हमने ये ऊपर से इसका व्यू देख लिया है। आ गया सीओटी यहाँ से आई है और ये इसके टेबल ग्राउंड लेवल ग्राउंड इधर यहाँ से कंप्रेस किया जाता है और ये है तो ये इधर लैब थी नवनेरा डैम पर। अभी इस समय ये जो मैंने दिखाया आपको जो यहाँ की नवनेरा डैम की जो लैब बनाई हुई है यहाँ पर जो जहाँ पर सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं नवनेरा डैम पे। बिल्कुल अभी क्या देखा अपने लैब देख लिया अभी अब चलेंगे हम बेसिक से इंस्ट्रूमेंट को देख करके आए हैं हम वेट चेक करके। बिल्कुल हाँ और हर गेट के ऊपर दो सिलेंडर है क्या? जैसे अर्धन पोर्शन है तो ये अर्धन पोर्शन इधर का पोर्शन है तो ये इस तरह से इसके ये लेवल सीओटी यहाँ से आई है और ये इसके तो दोस्तों अभी मैं हूँ नवरेला डैम पर और अभी हमने ये ऊपर से इसका व्यू देख लिया है। अभी हम चले गए 27 गेट है 28 है शायद 27 है क्या 27 गेट बने हुए इसके ऊपर। और बताइए सर और अभी हम चल रहे हैं गैलरी देखने के लिए नीचे से। अभी यहाँ पे पानी रुका हुआ है पानी पास हो रहा है अंडर स्लुइस से दो अंडर स्लुइस में हुए यहाँ पे वहाँ आगे अपन देखेंगे वहाँ से पानी पास हो रहा है और पानी रुका हुआ है यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पर अंडर स्लुइस बने हुए हैं जिससे कि जिसके थ्रू ये पानी आगे की तरफ जा रहा है ताकि ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे। और अभी हम आपको गैलरी के अंदर लेके चलते हैं ऊपर लेके चलेंगे आपको पूरा व्यू देंगे इसमें। हेलो गाइस तो यहाँ पे अंडर स्लुइस है यहाँ जो बोर दिख रहा है यहाँ पे बोर बन रहा है यहाँ से पानी पास हो रहा है अंडर स्लुइस से नीचे जा रहा है यहाँ से पानी पास होके बाहर की तरफ जा रहा है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है पानी इस साइड से और ये इस साइड से पोकलेन खड़ी है इसके आगे से बाहर की तरफ पानी निकल रहा है ये। और ये देखो गेट देखो कितने विशाल गेट बने हुए हैं यहाँ पर रेडियल गेट बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है
ये पूरा हाइड्रोलिक वो सिस्टम है। 120 टन ये सिलेंडर है ना, 120 टन पूरा गेट का वजन। गेट में क्या क्या चीज़ आती है, वो अपना टूलियन हो गया, टूलियन असेंबली है, उसमें तीन चीज़ होती है टूलियन असेंबली के अंदर, टूलियन ब्रैकेट, टूलियन हब और पिन, और उसके अंदर एक बुश है, उन चारों को था। अरे आगे 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 तगड़ी साइड विजिट हो रही है भाई, ये देखो ट्रैकिंग के साथ साइड विजिट के साथ साथ ट्रैकिंग हो रही है देख लो भाई। तो अभी मैं ये डैम के ऊपर हूँ बिल्कुल, और अभी हम चलते हैं इसका ऊपर से व्यू करते हैं। ऊपर चढ़ने में हालत ख़राब हो गई, सांस फूलने लग गई। ये इधर अप स्ट्रीम है, और यहाँ से पानी गेट के थ्रू जाएगा डाउन स्ट्रीम है, जो कि ये नेचुरल नदी थी, 12 महीने पर बहने वाली नदी है, जो कि आगे जाके चंबल में मिलती थी, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। ये देखो ये नज़ारा देखो, ये सामने जो दिख रहे हैं वो वाइट वाइट, ये सिलेंडर है जो कि गेट को खोलने के अंदर मदद में आते हैं। ये एक तरीके से आप हाइड्रोलिक गेट होते हैं, इनके अंदर ऑयल भरा हुआ है, जो प्रेशर की वजह से ये गेट को खोलते हैं। ये देखो इधर का व्यू, ये जो गेट बने हुए हैं इसमें से एक दो गेट नीचे उतर अभी बंद कर रखे हैं और बाकी खोले हुए हैं, तो इनके अंदर प्रेशर है, ऑयल प्रेशर की वजह से ये गेट खोलते हैं। रेडियल गेट बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ इस डैम के अंदर पूरा स्काडा सिस्टम होगा, जो कि एक माउस के एक क्लिक से गेट बंद होंगे और गेट खुलेंगे। और ये देखो ये डाउन स्ट्रीम है इधर, और ये भंवर बन रही है ना, आपको देखा ये अंडर स्लूस की वजह से पानी बाहर आ रहा है। अभी हम एंट्री करने वाले गैलरी के अंदर। ओ भाई कितना अंदर लेके आ गए यार, बहुत ही खतरनाक नज़ारा है यहाँ पर, और बहुत ही डरावना नज़ारा है, और आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं जो कि हमारे होनहार इंजीनियर है ये, लेकिन लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। कहाँ पहुँच चुके हैं अभी तो चल रहे हैं यार, ये अभी हम फाइनल नीचे आ चुके हैं अभी, और ये है यहाँ की इस डैम की गैलरी बनी हुई है, जो कि यहाँ पर सीपेज के बाद जो वाटर आता है यहाँ से उसको लिफ्ट करके बाहर डाउन स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। और ये देखो ये है गैलरी, पूरी आधा किलोमीटर तक की गैलरी बनी हुई है पूरी। तो दोस्तों ये था नौमेरा डैम का फुल व्यू, जो कि
ये बना हुआ है ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अंदर, ये डैम बन रहा है जिसके अंदर ये नौनेरा डैम और इसदा डैम बने हैं। आपने ईआरसीपी प्रोजेक्ट का नाम तो सुना होगा, जिसके अंदर पूरी राजस्थान के अंदर नहरों को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है, जो कि अभी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और उसके अंदर ये दो डैम बन चुके हैं और आगे की ये कैनाल बनेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।